प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया टोटल मैथ का एनालिसिस, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, लेवल क्या था और उसको हल हमें किस प्रकार से करना चाहिए था। तो चलो भाई यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन का, जो कहीं ना कहीं सांख्यिकी का क्वेश्चन था। ये सांख्यिकी में फॉर्मूला पर था कि बहुलक यहाँ पे दे रखा था 23, माध कह रहा था है 65, तो बताओ कि उसका माध का क्या होगा। आपको सबको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध का माइनस 2 गुने माध और ये इक्वल होता है किसका, कहोगे बहुलक का। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हल करते तो कहते कि 3 गुने माध का मेरा बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि माध का हमसे पूछा गया है, माइनस 2 गुने माध दे रखा था 65, तो गुने 65 अब बराबर बहुलक दे रखा था 23, तो बराबर क्या हो जाता, 23 हो जाता। यानी कि 3 गुने माध का बराबर हो जाता 23 प्लस का 5 × 10 = 130 हो जाता, नहीं यानी माधका का मान कितना हो जाता, तो कहोगे भैया यहाँ पे जोड़ देंगे 3 × 5 = 1/3, है ना, ये कट जाएगा कहीं ना कहीं 51 बार में, अतः कितना माधका हो जाता, 51 हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर आधारित था, अतः ये फार्मूला को आप बिल्कुल कंठस्थ रट लीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक से और भी था जो आगे हम आपको बताएंगे। दो क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल 2000 है तथा इस पर 2 × 20% या 15% का दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबको पता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, तो मूल था भैया 2000, पहले वो डिस्काउंट किया 20% का, यानी बेचा कितना में, तो 100 - 20 यानी कि 80% पर बेचा, यानी कि 80/100 में बेचा। पुनः वो 15% का डिस्काउंट किया, यानी पुनः कितना में बेच रहा है वो, तो कह रहा है 15% डिस्काउंट यानी कि 85% पर, यानी कि 85/100। चूंकि यह डिस्काउंट 2 बार दिया था तो 2 बार ही गुना होगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य और भैया यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी 8 × 5 × 10 = 16 × 17 होगा, 17 × 8 = 37, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये कहता है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन जिसकी चाल इतना और इतना है, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। इसका चाल यहाँ पे दे रखा है 56 मीटर प्रति सेकेंड और इसका चाल यहाँ पे दे रखा है 46 मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाता है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगा। यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, इक्वल है, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, इक्वल है। खैर पहले ये हमको बताओ कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे चाल गुना समय, यही ना होता है। अब चाल की बात करेंगे, जब दोनों गतिशील है एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल कहीं ना कहीं अपेक्षिक लेना होगा, यानी अपेक्षिक चाल एक ही दिशा में घटा के निकालते हैं, यानी 56 - 46 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल लेना होगा, और जब विपरीत में रहता है तो जोड़ के निकालते हैं अपेक्षिक चाल, एक ही दिशा में रहता है तो घटा के निकालते हैं। अब गुना समय कितना हो गया, कहोगे 23 सेकेंड यानी कि 200 कितना हो जाएगा भैया, तो 30 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकला, दूरी, कौन दूरी, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जो तय किया, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो वह दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होता है, यानी यह 230 दोनों ट्रेन की लंबाई निकला। हमसे पूछा कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, प्रत्येक ट्रेन की भैया हमको लंबाई बता दो, तो क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग है और दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, तब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो कहेंगे 230/2 होगा, यानी 115 मीटर होगा, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 115 मीटर होगी। क्लियर है। चलो तो अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेज से भरता है। ये हौज या पाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पाइप का कहीं ना कहीं हमें इफेंसी दे रखा है। इफेंसी के बारे में ये कह रहा है कि पहला पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से भरता है। पहला पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर ये 1 भरता है तो कितना भरता है भैया, ये 3 भरता है।
फिर आगे बोलता है कि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर देता है, यानी कि अगर पहला और दूसरा दोनों को एक साथ खोलते हो तो ये टैंक को 36 मिनट में क्या करता है, भर देता है। तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति से तो ये भर रहा है क्योंकि एक घंटा में एक गो भरता है, एक घंटा में तीन गो भरता है, तो धीमी गति से ये भर रहा है तो इसका भरने का आपको टाइम पूछ रहा है। तो आप ही बताओ क्या करोगे भाई। तो पहले निकालेंगे कुल, है ना, कुल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो ये दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो गया, चार। जब एफिशिएंसी दिया हुआ रहता है तो कुल काम निकालने के लिए डेज और एफिशिएंसी को गुना कर देते हैं, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे तो 6 + 24 के 4, बाकी 2 + 4 = 12, 2 = 14, यानी इतना टंकी टोटल भरना है। आपका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि दूसरा पाइप इस टंकी को कितना मिनट में भर देगा, तो टोटल पाइप भरना है 144 टंकी, और धीमी गति से भरने वाला जो पाइप है वह एक घंटा में भरता है एक टंकी, तो बताओ कि कुल समय कितना लग जाएगा। कहोगे 144/1 यानी कि 144 मिनट। कितना लग जाएगा दोस्त, कहेंगे 144 मिनट। अब घंटा में है तो घंटा में बता दीजिएगा, मिनट में है तो मिनट में बता दीजिएगा। तो ये ढंग से क्वेश्चन को हम बना लेंगे। चौथा के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो भैया इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बहुत क्वेश्चन आसान है, है ना। अगर इसका ऑप्शन दिया हुआ रहता तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता, है ना, ऑप्शन दिया हुआ रहता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, लेकिन ऑप्शन तो दिया हुआ था ही, यहाँ तो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। कहता है 1083 को निम्न में से किससे गुना किया जाए या परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे चार ऑप्शन होता तो प्रत्येक ऑप्शन को बारी बारी से इसमें हम इकाई अंक में गुना करके चेक कर लेते और हम आराम से निकाल लेते, क्लियर है। अब खैर ऑप्शन नहीं है तो बनाने का तरीका भी सीख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, पहले तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 बार जाएगा ना, है ना, 8 × 3 = 11, 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, इतना होगा, आइए तो होगा 19^361, यानी कि 3 × 19 × 19 आया। आप ही बताओ क्या ये परिपूर्ण वर्ग है, कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 19 का तो जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी इसको में एक 3 और डालना होगा, यानी ये संख्या में 3 से गुना करना होगा, किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तब यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन नहीं था इसलिए हम यहाँ पर इस विधि से बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं है ना एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और बढ़िया ही क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं का योग 55 है, यानी दोनों संख्या का योग दे रखा है, लसा दे रखा है, मसा दे रखा है, तो संख्या कौन है ये आपसे पूछता है। सबसे पहले योग की बात करें तो योग को प्राइम का योग बराबर होता है, को प्राइम का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बटा मसा, तो संख्या का योग है भैया 55 और मसा दे रखा है 5, यानी कितना हो जाएगा, तो कहोगे 11 हो जाएगा। को प्राइम की बात हम कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे। अब यहाँ पे लसा मसा है तो एक चीज और आप जानते होंगे कि को प्राइम का गुणनफल होता है लसा बटा मसा, लसा हमारा 120 दे रखा है और मसा हमारा 5 दे रखा है, इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 24, यानी वैसा को प्राइम जिसका योग 11 हो और गुणनफल 24 हो, कौन होगा, है ना, वैसा को प्राइम जिसका योग 11 और गुणनफल 24 हो, कौन होगा। तो तुम कहोगे यहाँ पे टोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम कहोगे 8 + 24, है ना, और अगर यहाँ पे 8 + 3 करते हो तो 11, यानी क्या वह को प्राइम 3 और 8 होगा क्या, कहेंगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का मसा 1 है, यानी क्या को प्राइम भी है प्लस दोनों का योग 11 आ रहा है और दोनों का गुणनफल भी 24 आ रहा है। लेकिन हमसे तो भैया यहाँ पे संख्या पूछा था ना, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो सब जानते होंगे कि को प्राइम में मसा से गुना करने पर संख्या मिलती है, तो मसा से गुना करना दो तो 5 दिया हो जाएगा 15 और दूसरा संख्या होगा 40, यानी 5 से क्या कर देंगे गुना, क्योंकि मसा से गुना करने पर संख्या मिलता है। को प्राइम जानते हैं ना, को प्राइम उसको कहते हैं, को प्राइम उसे कहते हैं, है ना, जिसका मसा 1 हो, जिसका महत्तम संवर्तक 1 हो, वैसा युग्म जिसका महत्तम संवर्तक 1 होता है वह कहलाता है को प्राइम। अगर ये नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मेरा LCM टॉपिक YouTube पर भी है, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे इसको पूरा डीप में मैंने बताया है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें ये तो बहुत ही आसान है, किसी गोले का त्रिज्या दे रखा है और उसका एरिया पूछ रहा है, तो गोले का एरिया जो होता है
4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 4 गुना 22 बटा 7 करोगे, आर का मान यहाँ पे 7 है तो 7 गुना 7 ये कट जाएगा, इसको गुना करिएगा आपका कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा भाई लोग, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन से भी कॉमन सेंस लगाइएगा, ऑप्शन से भी गुना करने के बजाय ऑप्शन से भी इसको बनाने का प्रयास करिएगा। 8 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये आपका एक क्वेश्चन चतुर्भुज से है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि कोई चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चारों कोण पी क्यू आर एस का रेशियो हमें दे रखा था, तो 3p प्लस 2r का मान निकालना था। क्या करना? कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो 5, 4, 9, 2, 11, 7, 18 अनुपात का योग कितना आ रहा है? 18। और ऐसे आपको पता है, ऐसे आपको पता है कि चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यहाँ से चारों का योग आ रहा है 18, और चारों कोणों का योग 360 होता है, तो भैया एक का भी हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि पी का मान हो जाएगा 20 80 डिग्री, है ना, क्यू का मान हो जाएगा 5 है तो 20 25 100 डिग्री, आर का मान हो जाएगा है ना 2 है तो 20 2 40 डिग्री, और एस का मान हो जाएगा 20 7 4 140 डिग्री, यानी चतुर्भुज का चारों कोण मेरा निकल गया। खैर चारों कोण हमें नहीं निकालना था, हमें इसका मान निकालना था, तो क्या इसका मान आप नहीं निकाल लोगे? 3 गुना पी का मान 80 है, कर देंगे 80, अब प्लस 2R यानी 2 गुना 40, 2 गुना क्या कर दोगे भैया 40, तो ये हो जाएगा 240, अब प्लस 80 यानी कि 320 डिग्री। क्लियर है? ये मेरा प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। खैर जो भी हो डिजिट चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देकर निकलते हैं तो भाषा तो कुछ याद रहता है लेकिन डिजिट जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं कुछ का। तो खैर जो भी हो इस टाइप से उसका चारों कोण का रेशियो दे चुका था और उसके बाद ऐसा कुछ का मान पूछा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था और भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन होता तो बनाना और भी आसान हो जाता। इसमें क्या करते, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हम, यहाँ पे ए का मान पुट कर देते, ए का मान 0 पुट कर देते या 90 पुट कर देते, है ना, बहुत आसानी से मान निकल जाता। क्यों? क्योंकि कॉस 0 का मान भैया होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब हल करिएगा तो ऊपर होगा 2 और नीचे होगा 1 का 1 2, कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन आपका हो सकता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी साइन कॉस टेन के रूप में भी दिया हुआ हो, तब उसमें क्या करते, ऐसा रहता तब तो उत्तर मार देते, अगर साइन कॉस टेन में रहता तो क्या करते, तो उसमें भी एक का मान 0 फुट करके देख लेते किसका एक आता है, जिसका एक आता वह आपका उत्तर होता। खैर आगे देखते हैं 10 के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि यदि ब्याज की दर 4.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया जाए तो ₹2000 का 2 वर्ष में कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं आप ही बताओ कि यहाँ पे रेट का अंतर कितना आ रहा है, कहोगे 1%, यानी 1% अधिक ब्याज मिल रहा है एक साल में, और 2 साल का पूछ रहा है तो 2 गुना 1 यानी कि 2% अधिक ब्याज मिलेगा। किसका 2%? कहोगे मूलधन का, तो 2000 का 2% निकालोगे तो परसेंट से दुसना कट जाएगा, 20 दुनी 40 रुपया अधिक ब्याज उसको मिलेगा, 40 रुपया अधिक ब्याज उसको मिलेगा, यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ए वाला। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं समचतुर्भुज का क्वेश्चन था और अभी तक समचतुर्भुज में क्वेश्चन में देख रहे थे कि उसका दोनों विकर्ण दे रहा था और उसका एरिया पूछ रहा था, नहीं यहाँ पे क्या दिया है कि इसका परिमाप दे दिया है और उसका एक विकर्ण 10 मीटर दे दिया है और उसका एरिया पूछ रहा है, कोई बात नहीं। समचतुर्भुज का कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज से आप अवगत ही होंगे कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, अगर इसका परिमाप 52 है तो प्रत्येक भुजा होगा 52/4 यानी कि 13 का, यानी ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा, ए भी 13 का होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, ए बराबर ई आई बराबर ई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक विकर्ण 10 दे रखा है, यानी कि अगर ये विकर्ण 10 रहा होता तो ये होता 5 और ये होता कितना 5। क्लियर है? अगर बाई चांस ये चीज़ हमको पता हो जाए, ये पता हो जाए तो इसका एरिया आराम से हम निकाल लेंगे। नहीं, ये कैसे पता होगा, तो कहोगे भैया यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5। सर्दी से इतना परेशान है सो भी नहीं पाता, विक्स वेपर अब ट्राई किया? ये काम करेगा? बिल्कुल,
विक्स की गर्माहट दे सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत। सर्दी जैसे गायब, अब से विक्स वेपोरब। 12-13 ट्रिपलेट है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना, नहीं समकोण इसका ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार हो गया। तो लंब 5-13, तो ये 12 बांध, तो अपने मान से आप कह सकते हो ना कि 12 होगा, नहीं कह सकते हो क्या? अपने मन से कह सकते हो कि ये वाला मान कितना होगा भैया? तो कहेंगे 12 होगा। तो ना 5-12-13 ट्रिपलेट होगा। अब इसका एरिया तो निकाल लोगे, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी ये विकर्ण 24, ये विकर्ण हो गया आपका 10, यानी कि इसका एरिया अगर पूछा गया था तो एरिया होगा 1/2 गुने 5 × 5 = 10, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण हो गया 12 × 12 = 24, बस हल कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। क्लियर है? बस इस ढंग से इस क्वेश्चन को हल कर लेना था और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, है ना, इसके आगे ये पूरा क्वेश्चन नहीं, ये अधूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, और उसमें ये पूछा गया था कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु इतना गुना हो जाता है, तो उसका आयु क्या है? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आप बना लिए हैं, आइडिया मिल गया होगा ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का भी था। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी आपने देखे थे माध का बहुलक का फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन था, नहीं फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन अभी आपने देखा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन में माध का पूछा गया था, चूंकि वहाँ पर भी पहला क्वेश्चन अभी देखे आपने, तो उसमें बहुलक दे दिया था, माध दे दिया था और माध का पूछा था। यहाँ पे भी माध का ही पूछा है, लेकिन ये सारणी के रूप में देकर आपसे यहाँ पे माध का पूछा गया था, जो आपको हम बता चुके हैं, है ना, सारणी के अनुसार माध का कैसे निकालते हैं वो फार्मूला पर हम बता भी चुके हैं, यूट्यूब पर डाल भी चुके हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक से 2 क्वेश्चन था, दोनों में माध का निकालना था, लेकिन एक में फार्मूला देकर फार्मूला पर आधारित था और दूसरा में सारणी में डाटा देकर माध का पूछा गया था। चूंकि इतना ही क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंचा है, जो भी क्वेश्चन आता है उसका डिस्कशन हम दे देते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दिया करिए, है ना, ताकि आपको एक्सप्लेन यहाँ पर हम कर सकें, है ना। मिला जुला कर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैथ का बनाने लायक क्वेश्चन है। हाँ, रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है और एक पर एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अतः हम सलाह देंगे कि एग्जाम में जब भी बैठिए तो पहले उस क्वेश्चन को टच करिए जो देखते के साथ आपसे बन रहा है, है ना। वैसे क्वेश्चन में फंसने का प्रयास मत करिए जो आपको टाइम ले रहा है, है ना। हम वादा करते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको बिना टाइम टेकन के आप बना सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लेने वाले हो, जैसे सिटी मैनेजमेंट का 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के चलते अच्छा खासा आपको टाइम नष्ट हो जाएगा और जिसके वजह से बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आप। अतः अगर वो ईजी है, बनाने लायक है, कि समय नहीं लगेगा बन जाएगा, तब तो बना डालिए, या एक डाटा पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है सिटी मैनेजमेंट का, तब उसको बनाइए, अन्यथा पहले अगला क्वेश्चन को देखिए जो ईजी है। क्लियर है दोस्त? तो हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रहा होगा। मिलते हैं अगर सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो उसका डिस्कशन के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।